चाहे कोई झगड़ा हो या हो रिश्तों में अनबन, प्यारी पुष्पा सुलझा दे जो भी हो उलझन। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर टेलीविजन अपडेट्स। पुष्पा सिंह जो है वो हेड कांस्टेबल है और काउंसलिंग हेड भी है। जो यहाँ कोई भी अपनी FIR लिखवाने आता है उनका एक अलग तरीके से काउंसलिंग करती है, काउंसलिंग करने की कोशिश भी करती है, ताकि क्योंकि उसको पता है FIR लिख लो, हर बार वो केस पूरा सॉल्व होता ही ऐसा नहीं। आज तक कितने सारे FIRs, कैसी कितने सारे केसेस ऐसे ही पड़े जो अनसॉल्वड है, तो शायद वो उनको ऐसे काउंसलिंग करती हैं कि वो मैटर उनका सॉल्व हो जाए। अब पति बच्चा घर वो देखूं कि पुलिस स्टेशन देखूं, उस चक्कर में पुलिस स्टेशन में पूरा 100% वो अपना नहीं दे पाई है, तो उसकी अब ये इच्छा है कि एक ही जन्म है तो रिटायर होने से पहले कुछ बड़ा काम करके यहाँ से मैं रिटायर हो जाऊँ। ठंड, मतलब 4 बजे तो ऐसा लग रहा था कि हम कश्मीर में तो नहीं, बर्फ़ तो नहीं पड़ रही। सुबह 4 बजे का क्या बोलते हैं उठना होना था, फिर मेकअप करके हम सूरज की पहली किरण उगी नहीं कि हमारा रोल होता था, क्योंकि दिन छोटे हैं आजकल, ठंड में वैसे भी दिन छोटे होते हैं तो पूरा एक्सप्लॉइट करना होता है दिन, तो रोल जल्दी करते थे। और बहुत सालों पहले लखनऊ गई थी मैं, ये सारी जो जगहें हैं वो मैंने देखी हुई हैं, बट हाँ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और अच्छा लगा। वो जो ऐतिहासिक हम कह सकते हैं जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे शूट करना, चारबाग स्टेशन हो या इमामबाड़ा हो या रूमी गेट हो, वहाँ पे लोगों ने भी हमें बहुत प्यार दिया, बहुत, इतना कि फ्रेम से हट जाओ भाई, तो हट ही नहीं रहे थे वहीं पे खड़े हो रहे थे। मुझे लगता है एक्टर को हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए, और मैं उस मामले में अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे वो करने का मौका भगवान भी दे रहा है, मेरे प्रोड्यूसर्स भी दे रहे हैं जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। गठबंधन का रोल एकदम ही हटके था, इससे एकदम 360 डिग्री अलग था वन, तो अब ये इतनी प्यारी है, जो आप प्यारी पुष्पा कहते हैं उसको, जो प्यारी है, लविंग है, केयरिंग है, तो मुझे लगता है जैसे पुष्पा का कहना है एक ही ज़िंदगी है, इतने सारे एक्टर होके इतने सारे किरदार करने को मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। 24 फरवरी से रात को 10 बजे सोनी सब पे हमारा शो आ रहा है, मैडम सर कुछ बात है क्योंकि जज्बात है। जो टीज़र्स आउट हुए, हमारे टीज़र्स को लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो प्यार हमारे प्रोमोज को, टीज़र्स को मिला है, उससे भी ज़्यादा प्यार हमारे शो को मिले। एक एपिसोड देखिए, मैं गारंटी देती हूँ दूसरा एपिसोड देखने के लिए 10 बजे का वेट करेंगे।